उत्तरकाशी से सामने आए हिम तेंदुए का अटखेली करते वीडियो। गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी के बीच खेलते दिखे हिम तेंदुए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जोशीमठ के सेलंग गांव के पास 200 मीटर नीचे गिरी गाड़ी, हादसे में गाड़ी ड्राइवर अस्पताल में भर्ती, घायल, वीडियो वायरल। रामलला के गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। चंपत राय ने तस्वीर को किया ट्वीट, इसी गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। प्रतापगढ़ में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में मचा हड़कंप, हाईवे किनारे बनी 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें। उन्नाव में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे की जद में आ रहे निर्माण पर कर्जा बुलडोजर, एसडीएम और पुलिस फोर्स के मौजूदगी में गिराया गया पक्का निर्माण, प्रशासन के नोटिस के बाद मकान पर चला बुलडोजर। लखनऊ में पुलिस ने चौकी में करवाई प्रेमी युगल की शादी, 7 जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी युगल के परिवार के न मानने पर घर छोड़कर भागे थे, परिवार को राजी कराकर चौकी इंचार्ज ने शादी कराई। अमेठी में सड़क निर्माण में सामने आया घपला, ग्रामीणों ने सड़क में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल किया, मंगरोरा गांव से गुजरने वाली सड़क 24 घंटे में उखड़ गई। बाराबंकी में जमीन पर कब्जा कराने का वीडियो वायरल, ग्राम प्रधान लेखपाल देवा थाने में तैनात दरोगा पर लगा आरोप, पीड़ित ने उच्च अधिकारी से लगाई मदद की गुहार। हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर सीएम सहित सरकार के मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि, सीएम ने उनके काम को किया याद, कहा लोकतंत्र की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान। आजम और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट का फौरन रोक लगाने से इनकार, कोर्ट ने कहा मेरिट के आधार पर होगी मामले की सुनवाई। संभल हादसे में मुआवजे का हुआ ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 की दी जाएगी मदद। संभल हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा संभल में हुई जनहानि बेहद पीड़ादायक है, मेरी संवेदनाएं शोका कुल परिजनों के साथ। संभल को स्टोरेज हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ आज रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस प्रशासन का एक्शन, 6 में से 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा फैसला, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने किया ऐलान, बिजली व्यवस्था बाधित करने वालों पर लगाया इसमें। कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा यूपी में सपा के बहुत नेता झूठे मुकदमे में जेल में हैं और भाजपा जिससे घबरा जाती है उसे ईडी जेल में भेज देती है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ठुकराया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का न्योता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वरुण को लेक्चर देने से उन्होंने इनकार कर दिया, कहा भारत में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, देश के बाहर टिप्पणी करना ठीक नहीं। 24 मार्च को पीएम मोदी का काशी दौरा, आज पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी, काशी में चल रही परियोजनाओं की हकीकत जानेंगे सीएम। जोशीगांव में एक ही घर में 5 शव मिलने से मचा हड़कंप, एक महिला और 3 बच्चों का शव पुलिस ने किया बरामद, फरार पति की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्राम प्रधानों से रंगदारी मांगने वाला मुख्तार गैंग का शार्प शूटर मुठभेड़ में घायल, अस्पताल कराया गया भर्ती, ग्राम प्रधानों को अज्ञात बदमाशों द्वारा दी जा रही थी फोन पर रंगदारी की धमकी। मसूरी पुलिस ने हत्या और गैंगरेप के फरार 25,000 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, अभियुक्त को पुलिस ने नेपाल बिहार सीमा से गिरफ्तार किया। सीतापुर में अज्ञात शख्स ने युवक को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। अल्मोड़ा में पुलिस ने हिस्ट्री टीचर शानू पवार को किया गिरफ्तार और हिस्ट्री टीचर शानू पवार पर दर्ज के कई मुकदमे। कानपुर देहात में ढाबे की आड़ में डीजल की कालाबाजारी, 2400 लीटर डीजल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों से करते थे डीजल की चोरी। अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, पुलिस 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। नोएडा में सनकी ने 15 कारों पर डाला तेजाब, एक सोसाइटी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी की करतूत, नौकरी से निकाले जाने से था नाराज।
गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र में बंद लोगों के बीच हुआ विवाद। विवाद के दौरान एक युवक की पीट पीट कर हत्या। नशा मुक्ति केंद्र संचालक उसके साथी केंद्र में ताला लगाकर हुए फरार। अमरोहा में वन विभाग की 300 हेक्टेयर की जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। दो ट्रैक्टर्स ने 4 घंटे के भीतर हरी फसल को जोत कर नष्ट किया। मिर्जापुर में कोचिंग सेंटर में छात्र की राड़ से पिटाई और दरवाजा न बंद करने पर हुआ था विवाद। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। हरदोई में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। घर के बाहर खंबे से युवक को बांधा गया। मौके पर पहुंची 111 पुलिस की सीएसी की टीम। मुजफ्फरनगर में मेले में लगी आग। 3 दुकानें जलकर खाक। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। ललितपुर में पानी से भरे गड्ढे में गिरा मासूम। गड्ढे में डूबने से मासूम की हुई मौत। थाना मडवारा की रंगगांव का मामला। मेरठ में युवक का फंदे से लटकता मिला शव। पुलिस ने युवक के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। प्रतापगढ़ में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्थायी डंपिंग जोन नहीं होने पर कूड़े में लगी आग और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की उड़ी धज्जियां। कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्टे की चिमनी क्षतिग्रस्त हुई। बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। भट्टे पर काम कर रहे 3 मजदूर भी घायल। वाराणसी में बिजली कर्मियों की हड़ताल के बाद कई इलाकों में बिजली गुल और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की भी बत्ती गुल। झांसी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी। 72 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। झांसी के कई फीडर पर बिजली सप्लाई बाधित। मिर्जापुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद बड़ी परेशानी। जिला प्रशासन ने परेशानी से निपटने की तैयारी। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारी की हड़ताल का दिखा साइड इफेक्ट। पुलिस लाइन की बत्ती गुल हुई। विश्वविद्यालय उपकेंद्र के से पूरे क्षेत्र की बिजली काटी गई। ताजमहल के जर्जर गुंबद की मरम्मत कराएगा पुरातत्व विभाग। गुंबद के पत्थर टूटने से हो गए हैं जर्जर और ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं गुंबद। मेरठ के मटौर गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सुंदरकांड का पाठ। रोजाना सुंदरकांड लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। टीचर बोले बच्चों में आएंगे अच्छे संस्कार। गाजियाबाद में कूड़ा उठाने वाले ज्यादातर ई रिक्शा पड़े खराब। जोनल ऑफिस में खड़े हैं खराब हुए ई रिक्शे। 2 साल पहले नगर निगम ने खरीदे थे 150 ई रिक्शे। उन्नाव में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। ज्यादातर बारिश से फसलों को हो सकता है भारी नुकसान। गेहूं सरसों मसूर की फसल खेत में तैयार। ईडी सुरक्षा बीके सिंह और आईजी दीपक कुमार पहुंचे मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। बिजनौर में मधुमक्खियों के झुंड ने कई लोगों पर हमला किया। मधुमक्खी के काटने से महिला समेत 5 लोगों की हालत बिगड़ी। थाना अफजलगढ़ के बिजली घर का मामला। लखनऊ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभियार्थियों ने किया प्रदर्शन। 4 साल से लंबित पड़ी नियुक्ति के खिलाफ जताया विरोध। फरुखाबाद में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से कई इलाकों की बत्ती गुल। अस्पतालों में मरीज परेशान। पानी की सप्लाई भी बाधित। अंबेडकर नगर में भी बीती रात से ही हड़ताल पर विद्युत कर्मचारी और संविदा और विवाद निविदता कर्मी भी हड़ताल पर शामिल। प्रदेश सरकार से वार्ता विफल होने से नाराज। गाजियाबाद के बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। बिजली के मुख्य कार्यालय पर धरने पर बैठे विद्युत कर्मी। उपभोक्ताओं को हो सकती हड़ताल से परेशानी। रायबरेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद पुलिस प्रशासन ने संभाली बिजली सप्लाई का काम और संविदा कर्मी भी संभाल रहे हैं बिजली विभाग का काम। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक के मद्देनजर रुद्रपुर को साफ सुथरा बनाने की कवायद। NH-87 के किनारे से हटाया गया अवैध निर्माण। करीब 100 से ज्यादा दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज किया। ऋषिकेश में ग्रामीण ने ट्रेचिंग ग्राउंड का किया विरोध और हाथों में तख्तियां और लेकर उग्र प्रदर्शन की दी धमकी।
कर्णप्रयाग में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को बताया निराशाजनक। कहा पहाड़ के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें थी, बजट में उनके लिए कुछ नहीं मिला। जोशीमठ के पटूरी गांव में बगड़वाल नृत्य का आयोजन, बगड़वाल नृत्य देखने के लिए लगी लंबी भीड़। खटीमा में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग ने विशेष अभियान चलाया। बिजली विभाग की टीम ने 21 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा। टीम ने सभी के खिलाफ थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पौड़ी की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिका में कथित वीआईपी के खुलासे के मांग और एसआईटी जांच से असंतुष्ट का जिक्र और मामले की सीबीआई जांच की मांग। रुद्रप्रयाग में फिर पुनर्निर्माण कार्य में बाधा बना मौसम। धाम में शाम के वक्त रोजाना बर्फबारी। मजदूरों ने केदारनाथ तक पैदल मार्ग से हटा दी है बर्फ। गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। सीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अल्मोड़ा में 14,000 किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि से वंचित रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,18,000 किसानों के नाम दिए गए थे दर्ज। किसानों को सम्मान निधि से जोड़ने के लिए कृषि विभाग ने तेज की कवायद। पिथौरागढ़ में धोखाधड़ी के आरोपियों की 6,12,00,000 से ज्यादा संपत्ति कुर्क मामले में पुलिस ने 18 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। धर्मनगरी हरिद्वार की बेटी आरती ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। खेलो इंडिया गेम्स में 2 गोल्ड 3 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साइकिलिंग में आरती ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रामनगर के कॉर्बेट पार्क पहुंचे 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और एशिया एलिफेंट के हैबिटेट और संरक्षण की ली जानकारी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1200 से ज्यादा है एशियन एलिफेंट। रुड़की में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। एसएसपी के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ उनकी संपत्ति फ्रीज कराने की कार्रवाई। उत्तरकाशी में नगर पालिका बड़ा हाट के लिए कूड़ा निस्तारण के लिए नहीं है डंपिंग जोन। कूड़ेदान में आग लगाकर एनजीटी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। चंपावत में लगने वाले मेले से पहले ही उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ कीर्तन किया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।